नमस्कार, आज मैं आपको डेंगू से बचने के लिए कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। और जुलाई का महीना जब स्टार्ट होता है, बरसातों का महीना जब स्टार्ट होता है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों में डेंगू का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो मैं आज इसी के उपाय बताऊँगी कि हम डेंगू से कैसे बचें। तो वीडियो को देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा, आयु शक्ति होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे डेंगू के विषय में बात करूँगी कि डेंगू के मच्छरों के प्रकोप से हम कैसे बचें, तो डेंगू का प्रकोप ना हो, हम डेंगू से के बुखार से बच जाएं, इसके लिए हम ऐसे क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, इसी के विषय में बात करूँगी। तो सबसे पहले तो हमें मच्छरों का ही सफाया करना है कि मच्छर हमारे नज़दीक ना आए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है। हमारे घर के आसपास सफाई रहे, या हमारे घर में भी पूरी तरह से सफाई रहे, घर के आसपास कहीं पानी जमा ना होता हो, जहाँ, क्योंकि मच्छर जो है वो अधिकतर पानी में ही पनपते हैं। तो इसलिए हमें घर के आसपास पानी नहीं जमा होने देना चाहिए, और ना ही घर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पानी पड़ा रहे और उसमें मच्छर पनप जाए। जैसे कूलर होता है, कूलर में पानी पड़ा रहता है तो उसके अंदर भी मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो हमें इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो स्प्रे कर सकते हैं, या घर में नीम का दिया जला करके रख सकते हैं, जिससे मच्छर दूर भागते हैं, आसपास नहीं आते। अब बच्चे जैसे पार्क में खेलने चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके आप कपड़े के ऊपर कोई मॉस्किटो जेल या इस टाइप की आजकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो लगा सकते हैं, या स्किन के ऊपर कोई जेल लगा सकते हैं जिससे कि मच्छर ना काटे। और वैसे जो डेंगू का मच्छर होता है वो नीचे ही नीचे रहता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता, 2-2.5 फुट की ऊंचाई तक ही रहता है। तो हमें बच्चों को कपड़े अच्छे तरह से पहना के भेजना चाहिए, जो हमारी स्किन का भाग खुला रहता है बच्चों का, उसको कवर कर देना चाहिए, यानी फुल स्लीव्स के आपको कपड़े पहनाने चाहिए, और आप उनको ट्राउज़र पहना के भेजें, नेकर और टी शर्ट में बिल्कुल ना भेजें। तो इन सब तरीक़ों से हम मच्छरों से बच सकते हैं। इसके अलावा मच्छरों से बचने के लिए, कि डेंगू फीवर आपको ना हो, इसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना चाहिए। इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि अगर डेंगू का मच्छर काट लेता है और आपको फीवर हो जाता है तो किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो जब कभी भी डेंगू का वायरस आपके शरीर में आ जाता है तो जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें फीवर आने लगता है, कई बार तेज़ फीवर होता है और कई बार मीडियम फीवर भी रहता है, उसका स्लो अटैक होता है, हल्का अटैक होता है, और आप एक सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। और कभी कभी तेज़ फीवर आता है तो उससे भी, वो डेंगू में अधिकतर वैसे तो तेज़ ही फीवर आता है, तो जब तेज़ फीवर आता है तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे ये डेंगू है। लेकिन कभी कभी जो है, जब मीडियम सा फीवर रहता है, लो फीवर रहता है, और 5-7 दिन तक आपको इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, ऐसा लगता है कि जैसे वायरल फीवर हो, लेकिन धीरे धीरे फिर उसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। तो उसमें फीवर तो रहता ही है, इसके अलावा सिर दर्द रहता है, जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है, पूरा बदन अकड़ता है, शरीर में लाल रंग के रैशेज दिखाई देते हैं, और कई बार प्लेटलेट्स जब कम हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, तो लाल नीले रंग के चकत्ते भी पड़ जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं डेंगू फीवर के ही हैं। तो डेंगू फीवर को समाप्त करने के लिए मैं आपको बिल्कुल एक नेचुरल रेमेडी बताने जा रही हूँ। इसके लिए आप 1 चम्मच बड़ा चम्मच, जो टेबल स्पून होती है, वो प्याज का पेस्ट ले लें, और उसमें 1/2 चम्मच से भी कम छोटी पीपल मिला लें, उसका पाउडर मिला लें पिसा हुआ, और 2 चुटकी काली मिर्च मिला लें, और 5 ml नींबू का रस मिला लें, और 1 टेबल स्पून शहद मिला लें, और फिर इसको धीरे धीरे चाटना है, या चौथाई चम्मच या ½ चम्मच करके मुंह में डालना है, इसको आराम आराम से पीना है। तो जब आप दिन में 2 बार ऐसा करते हैं तो आपका डेंगू बुखार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अगर आप इसे दूसरे तरह से देखना चाहें तो एक छोटा सा प्याज ले लें, 10 ग्राम प्याज हो, बहुत ज़्यादा प्याज हमें नहीं लेना है, और एक प्याज ले लें, और उसके साथ 4 या 5 छोटी छोटी पीपल जो आप आती है वो 5 पीपल ले लें, और 3-4 दाने काले मिर्च के ले लें, और इन सबको प्याज के साथ ही मिक्सी जार में पीस लें, और जब पीस के ये पेस्ट बन जाए तो आप इसको बाहर निकालें, एक बाउल में निकाल लें, और उसमें 1 छोटी चम्मच नींबू के रस का मिला दें,
और एक टेबल स्पून शहद मिला दें। क्योंकि शहद मैं इसलिए ज़्यादा कह रही हूँ मिलाने के लिए कि पीपल थोड़ा सा कड़वा लगता है और काली मिर्च भी चरपरी लगती है, जिससे कि चाटने में आसानी हो जाए। तो इस तरह सब चीज़ों को मिला करके फिर चौथाई चम्मच या आधी आधी चम्मच मुँह में डालते रहें और 15-20 मिनट में इसको धीरे धीरे चाट के ख़त्म कर दें। जब आप दिन में 2 बार ऐसा करेंगे तो आपका डेंगू बुखार बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा हमें कुछ इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले काम भी करने ज़रूरी हैं कि डेंगू बुखार आपके निकट ही ना आए। सबको तो डेंगू बुखार नहीं होता, अक्सर डेंगू बुखार या कोई भी वायरल फीवर या किसी भी तरह का रोग उनको ही घेरता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, तो उसके लिए हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, रेगुलरली हमें कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगासन करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। और अगर आपको बहुत स्ट्रेस होता है तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है और इम्यूनिटी को तो कम करता ही है। इसके अलावा रूटीन में हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं आपको, तो ग्रीन वेजिटेबल्स लें और फ्रेश फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं और अंकुरित अनाज खाएं, चोकरयुक्त आटा खाएं। तो इस तरह का हमें अपने रूटीन में भोजन रखना है, इस तरह की चीज़ें हमें रखनी हैं, अनहेल्दी चीज़ों को हमें अवॉइड ही करना है। मैं बिल्कुल खाने के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप उसको 100% अवॉइड कर दें, लेकिन उसको कम से कम खाएं। 80% अल्कलाइन खाएं और 20% एसिडिक खाएं। तो 80% अल्कलाइन खाने में तो सारी हेल्दी चीज़ें आती हैं और 20% एसिडिक खाने में वो चीज़ें आती हैं जो आजकल सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, जैसे जंक फूड है और पिज़्ज़ा है, बर्गर है और नॉन वेज है। इस टाइप की चीज़ें एसिडिक में आती हैं, चाय, कॉफ़ी और या जो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये सब चीज़ें एसिडिक उसमें आती हैं। तो आजकल हमारा उल्टा चलता है, हम 80% एसिडिक खाते हैं और मुश्किल से 20% हम अल्कलाइन खाते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो आपको इसको पलटना होगा, 80% आपको अल्कलाइन खाना होगा और 20% एसिडिक खाना होगा। तो जब आप इस तरह से अपना रूटीन रखते हैं तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा बूस्टअप रहेगी और किसी भी तरह का कोई भी वायरस आपको परेशान नहीं करेगा। अभी जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं कि डेंगू फीवर से हम कैसे बच सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं, अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो ये सब बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप डेंगू बुखार से बचे रहेंगे और भी किसी तरह का कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।